नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉस गोल्ड सुरक्षा प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्लान कंपनी का एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि रिटर्न के मामले में लाजवाब है। आप इसकी बात करें तो ये एक नॉन पार प्रोडक्ट है। नॉन पार मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसका बोनस से और शेयर मार्केट से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसका जो भी रिटर्न होता है वो पहले से ही आपके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा होता है, यानी कि आपको पॉलिसी खरीदते समय ये पता रहता है कि आपने जो भी पॉलिसी टर्म लिया है उसमें आपको क्या मैच्योरिटी मिलनी है। और इसके रिटर्न की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ कंपनी का ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसके बराबर का रिटर्न देने वाला शायद ही दूसरा प्लान आपको ही कहीं सर्च कर पाए। इसमें बहुत सारी वैरायटी है पॉलिसी टर्म की भी और प्रीमियम पेमेंट टर्म की भी, जो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और अपना कोई भी गोल आप इस प्लान के साथ में सेट कर सकते हैं, और एक गारंटेड रिटर्न के साथ में, यानी कि एक सिक्योरिटी के साथ में। आपको पहले से ही पता होगा आपने जो पॉलिसी टर्म लिया है उसके समय के पूरे होने पर आपको क्या पैसा मिलने वाला है। और इसकी अगर नेट IRR की बात की जाए, जैसे आप बैंक FD में कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो नेट IRR है वो भी आप देखेंगे तो वो भी FD के कंपेरिजन में आपको कुछ प्लस ही है। इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस प्लान के बेसिक जो पैरामीटर है, यानी कि कौन व्यक्ति किन शर्तों के आधार पर इस प्लान को ले सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए एज की, तो 18 साल से और 55 साल की एज के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो इस प्लान को ले सकते हैं। यानी कि इसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 55 साल है, इसके अंदर हम ये प्लान दे सकते हैं। अब बात की जाए पॉलिसी टर्म की, इस प्लान में कितने टर्म है, तो इसमें तीन टर्म है, एक 10 साल का, एक 15 का और 20 का। इन तीन पॉलिसी टर्म में हम कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो हमें सही लगता हो। इसके बाद आती है मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज यानी कि किस एज तक ये प्लान हमारा कवर करेगा, तो इसमें दो ऑप्शन है। मिनिमम की अगर बात की जाए तो मिनिमम तो 28 ईयर है, यानी कि 18 पर आप लेंगे, मिनिमम टर्म इसमें 10 साल का ही है, तो 18 10 28, यानी कि मिनिमम एज मैच्योरिटी के समय 28 साल होनी चाहिए। अब मैक्सिमम की बात है, यहाँ थोड़ा समझना है आपको। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो है 65 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 55 साल और मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है वो है 20 साल। यानी कि अगर 55 साल की एज पर किसी को हम प्लान देते हैं तो 20 साल का अगर मैक्सिमम प्लान हम सोच लेते हैं कि 55 साल पर इस पॉलिसी को दे सकते हैं, तो 20 साल का प्लान दे दिया जाए तो वो 20 साल जोड़ते हैं इसमें, यानी 55 की साल तक पॉलिसी है, 55 साल की एज पर पॉलिसी ली, 20 साल तक पॉलिसी चलाई, तो कितना हो जाएगा 75, यानी 75 ईयर, जो कि कंपनी अलाउ नहीं कर रही। कंपनी कहती है कि हम केवल 65 तक ही कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55 की एज वाला व्यक्ति केवल 10 ईयर का ही प्लान ले सकता है जो कि 65 तक पूरा हो जाए। अगर ज्यादा टर्म चाहिए तो फिर एज इससे कम होनी चाहिए, 50 या 45 होनी चाहिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसपे आपको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मिनिमम की बात की जाए तो 5 ईयर है और मैक्सिमम 12 ईयर है, यानी कि आपने जो पॉलिसी टर्म लिया है 10 15 20 का, इसके अंदर आपको मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन रहेगा जो कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और प्रीमियम देने के बाद मैच्योरिटी आपको टाइम पूरा होने पर मिल ही जाएगी। अब दूसरी है कि इसमें हम कितना प्रीमियम मिनिमम और कितना प्रीमियम मैक्सिमम दे सकते हैं। मोस्टली होता क्या, किसी भी प्लान में, अभी बहुत सारे प्लान के बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो होता क्या मिनिमम प्रीमियम या मिनिमम सम एश्योर्ड किसी प्लान का डिसाइड रहता है और मैक्सिमम के लिए मोस्टली लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम के लिए नो लिमिट लिखा रहता है कि आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही लिमिट सेट है। मिनिमम 3000 से ही स्टार्ट है, 3000 ईयरली देकर कोई भी इस प्लान को ले सकता है, और मैक्सिमम 2.5 लाख, ये एक अलग चीज है जो कि मोस्टली प्लान में होती ही नहीं है, मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं रहती है। यहाँ पर सेट है कि आप इसमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। ये प्लान प्रीमियम बेस ही है। किसी भी प्लान में आप जाते हैं तो प्रीमियम निकालते हैं, दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम लेंगे या फिर प्रीमियम के हिसाब से सम एश्योर्ड लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा प्रीमियम का, कि कितनी प्रीमियम आप देना चाहते हैं, तो वो आप 3000 से और 2.5 लाख के बीच में प्रीमियम ले सकते हैं। आप किसी को ज्यादा प्रीमियम देनी है तो अपने साथ में वो घर में किसी और सदस्य के नाम पे प्रीमियम ले सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सम एश्योर्ड की बात की जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 30 लाख है और मैक्सिमम 10 लाख है।
इसी के अंदर ये प्लान इशू किया जाएगा। प्रीमियम पेमेंट के जो ऑप्शन रहते हैं वो सारे ऑप्शन है, आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, किसी भी तरीके से प्रीमियम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल है। अब बात की जाए पॉलिसी टर्म के साथ में, यानी कि किस पॉलिसी टर्म के साथ में हम कितना प्रीमियम पेमेंट टर्म ले सकते हैं, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। इस पे थोड़ा सा देखते हैं। जो यहाँ पे तीन टर्म है वो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, 10, 15 और 20, यही तीन पॉलिसी टर्म है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो केवल 10 पे हमें ध्यान देना है। 10 साल का जो पॉलिसी टर्म है इसके साथ में केवल एक ही प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पर अवेलेबल है, 7 साल का, यानी कि 7 साल रहेंगे और 10 साल में मैच्योरिटी ले लेंगे, ये एक यहाँ पर ऑप्शन है। अब इसके बाद में अगर आप 15 साल का या 20 साल का कोई भी पॉलिसी टर्म लेते हैं तो इसके साथ आपको जो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर रहेंगे, यानी 5 ऑप्शन है यहाँ पर, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल, यानी कि 5 ईयर से 12 ईयर तक जो इसमें है, 5, 7, 8, 10 और 12, इनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। मैच्योरिटी आपके चुने गए टर्म पर आपको मिल जाएगी। ये तो इसके बेसिक जो पैरामीटर है जिनके आधार पर पॉलिसी को ले सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। इस प्लान में बहुत ज्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, एक दो मेन पॉइंट है जो आपको बताने जरूरी है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले इस प्लान की जो विशेषता है वो ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे जो भी मैच्योरिटी मिलती है वो गारंटेड है और आपके पॉलिसी बोर्ड पर लिख कर दी जाएगी। यानी कि आप पहले से ही जानते होंगे कि आपको इस प्लान में क्या मिलेगा, उसमें कहीं पर कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली विशेषता यही है कि जो भी रिटर्न है वो गारंटेड है, एक। दूसरी इसकी जो विशेषता है कि ये मेडिकल फ्री पॉलिसी है, कहीं भी आप थोड़ा एज ज्यादा हो और थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो, किसी भी कंपनी के किसी भी प्लान में आप जाते हैं तो आपको वहां पर मेडिकल टेस्ट कंपनी करने के लिए बोलती है, लेकिन इस प्लान में कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, यानी मेडिकल इसमें नहीं लगना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका दूसरा एक और ऑप्शन है जो समझना चाहिए आपको, वो ये है कि पॉलिसी लेने के, यानी पॉलिसी इशू होने के बाद 90 डेज, यानी कि आप 3 महीने समझ सकते हैं मोटे मोटे, लेकिन गिनती समझे तो 90 डेज ये वेटिंग पीरियड है, यहां पर रिस्कवर चालू नहीं होता है। कारण मेडिकल फ्री है, यानी कि अगर किसी को कोई समस्या है, प्री डिसीज है, कोई जानबूझ के अगर प्लान लेना चाहता है तो 3 महीने तक कंपनी उसका रिस्कवर चालू नहीं करती। अगर इन 3 महीने के अंदर डेथ हो जाती है तो जो प्रीमियम है वो रिटर्न कर दिया जाता है, और उसके आगे अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो प्रीमियम का 10 गुना रिस्कवर चालू रहता है जो कि कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला गारंटेड मैच्योरिटी है इसकी, दूसरा ये मेडिकल फ्री प्लान है, तीसरा 90 डेज का वेटिंग पीरियड है रिस्कवर के लिए, और जो रिस्कवर रहता है उसके बाद में वो प्रीमियम का 10 टाइम्स, यानी कि जो भी आपका वार्षिक प्रीमियम होगा उसका 10 गुना रिस्कवर चालू हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख का वार्षिक प्रीमियम दिया है तो आपका 10 लाख का रिस्कवर चालू रहेगा मैच्योरिटी तक। अब थोड़ा सा आते हैं कि मैच्योरिटी इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन है, मैच्योरिटी किस तरीके से और कितनी मिलती है, ये यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है सामने। चूंकि इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है तो सभी का अलग अलग एग्जाम्पल समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने चार्ट बना लिया ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज समझ में आ जाए। ये मैंने 30 साल की एज और 1 लाख की प्रीमियम पर मैच्योरिटी निकाली हुई है कि अगर कोई 30 साल की एज पर पॉलिसी लेता है और 1 लाख का प्रीमियम साल में दे तो उसे इसमें अलग अलग टाइप पे कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक की भाषा में बात करें बल्कि यहाँ पे जो बोला जाता है वो IRR, नेट IRR, जो नेट रिटर्न मिला वो कितने परसेंट मिला, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं 15 साल की पॉलिसी टर्म की। अब 15 साल में अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चूज किया है तो जो यहाँ पर उपलब्ध है 15 में 7, अगर ये लिया है 1 लाख का प्रीमियम है साल का तो 7 साल में कितना प्रीमियम देंगे आप, 7 लाख, ये मैंने लिखा हुआ है टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि आप इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम दे रहे हैं, तो 7 लाख का प्रीमियम देंगे 7 साल में, और आप जो मैच्योरिटी लेंगे वो 15 साल पर लेंगे, तो 15 साल पर जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 13,54,000 रुपए, यानी 7 साल दे दिया आपने और 8 साल आगे गैप रहा और उसके बाद आपको मैच्योरिटी मिली 13,54,000 रुपए।
यहाँ पर आप नेट IRR अगर इसका देखेंगे तो ये 5.45% का निकलता है, लेकिन नेट जो रेट ऑफ नेट जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो 5.45% का है। अब इसी हिसाब में अगर 10-15 का आप ले लेते हैं कि आप 10 साल प्रीमियम लेते हैं और 15 में मैच्योरिटी लेते हैं, तो क्या हुआ, 10 साल में आपका 10 लाख रुपया आपने पे किया और उसके बाद में आपको 18,11,000 की मैच्योरिटी मिलती है जो कि गारंटेड है, ऑन पॉलिसी ऑन रिटर्न आपको मिलेगा। इसका अगर आप नेट IRR देखें तो ये 5.41% का रहेगा। ये आप कहीं भी अगर ऐसे FD आपने की होगी या बैंक में कुछ जानकारी रखते होंगे आप, तो आपको पता होगा आज की डेट में 5% का भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उससे नीचे ही है। अलग अलग बैंक में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, किसी में 4.7 होगा, किसी में 4.8 होगा, बट इसी के आसपास ही आपको मिलेगा। 5% कहीं बूढ़े से भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको 5 के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, नेट IRR निकल रहा है। इसके बाद आपका कंपनी रिस्क कवर भी दे रही है और ये मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री दे रही है। बहुत बड़ी बात है कि आपने 10 पे किया और 10 का 18,11,000 यानी 8,11,000 आपका यहाँ से बेनिफिट हो रहा है और वो भी टैक्स फ्री हो रहा है। आप कहीं FD करते हैं बैंक में तो आप जो भी वहां से लेके आते हैं इनकम उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, बट यहाँ पे आप ये सेक्शन 1010D है उसके अंतर्गत टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगी। और इसमें एक और एक ऑप्शन रहेगा 5 और 20 का, कि आपने 5 साल पेमेंट किया प्रीमियम का और 20 साल में मैच्योरिटी ली, तो 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से आप देखेंगे तो 5 साल में आपका 5 लाख आपने पे कर दिया और आपको मिला क्या 20 साल में, वो मिला 13.5 लाख, यानी 13,50,000 रुपया। आप इसका नेट IRR देखेंगे तो ये आपका आता है 5.6%, तो ये भी आपका ठीक ठाक है। अब यहां पर आप देखें 5.45%, 7-15 में, 10-15 में आते हैं 5.41%, और 5 और 20 में जाते हैं तो 5.6% आपको नेट IRR यहां पर निकल के आ रहा है। इसमें और भी आगे 3 ऑप्शन है, तो जो आपको यहां पर मैंने दिए हैं वो दिए हैं 20 साल के, अभी तक दिए थे 15 साल के, 7-15, 10-15, अभी यहां से 5-20, 7-20, 10-20 और 12-20, ये 4 ऑप्शन यहां पे हैं। 5-20 का मैंने बता दिया, 7-20 पे आते हैं, 7 साल में 7 लाख पे किया और 20 साल में जाते हैं तो 18,04,000 रुपए ये आपको मैच्योरिटी उसका नेट। अभी आप 7-15, 10-15 और 5-20 यानी 15 साल की टर्म में आपने दो समझे, 7-15 और 10-15, 20 में आप 5-20 और 7-20 का ये क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं 10-20 पर। जैसे आप इसमें 10 साल प्रीमियम देते हैं और 1 लाख का चूंकि ईयरली प्रीमियम है तो 10 साल में आपका 10 लाख पहुंच गया और 12 साल देंगे तो 12 लाख आपका पहुंच जाएगा, और आपको जो मिलेगा वो देखते हैं 10-20 में आपको 10 लाख पे करने के बाद 24,63,000 का आपका यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि आपका अगर नेट IRR की बात की जाए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तो 5.74% का है, ये लगभग लगभग 6% का। आप सोच के देखिए आपको कहाँ मिलेगा, वो भी आपको गारंटी दे रहे हैं अगले 20 सालों की। जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, अभी पीछे 5 साल पहले आप देखिए उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 का भी नहीं मिल रहा है, जबकि 5 साल पहले 9 के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता था आराम से। तो ये डिफरेंस आया केवल 5 साल में, और अगले 5 साल में कहाँ जा सकता है ये इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि कंपनी आपको अगले 20 साल का गारंटी दे रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी जाए लेकिन आपका जो गोल दिया है वो मैच्योरिटी आपकी निश्चित है, उसमें कहीं भी कोई अंतर कभी होने वाला नहीं है। तो ये एक बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा 10 और 20 में। अब इसके बाद आप जाते हैं 12 और 20 में, यही 12 साल जब पे कर रहे हैं तो 12 लाख आपका दिया और 20 में आप 27,42,000 ये आप ले रहे हैं 5.46% के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के, इसके परसेंट के आधार पर। ये भी एक अच्छी मैच्योरिटी है, आप इसके साथ में कोई भी गोल अपना सेट करते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको जिस साल में 15 की या 20 की जो भी आपकी पॉलिसी टर्म लेने की आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आपका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न निकल के आएगा। आप कंपेरिजन करेंगे इस रिटर्न को, आप नोट कर सकते हैं अपने पास में कि 30 साल की एज में जो मिल रहा है, यहाँ पर एज बदलेगी तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा, अगर 30 साल से कम होगी तो रिटर्न ये और बढ़ जाता है, 30 साल से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा कम होगा। तो आप जब कंपेरिजन करें किसी भी कंपनी के किसी भी प्लान के साथ में तो आप ये चीज जरूर एक बार देखें कि इस एज पे जो यहाँ मिल रहा है वहां पर क्या मिल रहा है, इनमें से कोई भी टर्म अगर वहां के प्लान से मैच कर जाता है
तो आप देखेंगे इसके बराबर आपको प्लान दूसरा नहीं दे रहा होगा जो मेच्योरिटी यहाँ मिल रही है, और वो भी टैक्स फ्री। तो ये प्लान अगर बात की है तो रिटर्न के मामले में एक लाजवाब प्लान है। प्लान लेने के समय भी कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल फ्री पॉलिसी है। जो लोग हैं बिजी रहते हैं, मेडिकल नहीं करवाना चाहते हैं, सेंटर पे नहीं विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 90 डे का वेटिंग पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैच्योरिटी गारंटेड है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो भी एकदम फिक्स है, इसके बारे में कोई संदेह करने की कहीं जरूरत है नहीं है। पैरामीटर मैंने आपसे डिस्कस ही कर दिए हैं, और इस प्लान के बारे में बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं है अभी। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ और चाहिए, कोई भी मन में आपके क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब निश्चित ही मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कुछ और बताना चाहिए, बाकी आप लोग अगर कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसके बताने के लिए तैयार हूँगा। नमस्कार।